मस्तानी का ट्रेलर देखा? या कैसा लगा? ओह इट्स सो गुड. अच्छा हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. अगर हम बात करें जोड़ी की तो फिर रणवीर और दीपिका ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या रणवीर और प्रियंका? डेफिनेटली आई विल गो फॉर रणवीर एंड दीपिका. नहीं रणवीर के साथ तो दीपिका ही अच्छी लगती है. रणवीर और प्रियंका, दीपिका एंड रणवीर. रणवीर और दीपिका. आपको उसके सॉन्ग्स कैसे लगे? बढ़िया है. सॉन्ग्स आल्सो इट्स सो गुड. सुपर्ब. सुपर्ब. हां बहुत अच्छे हैं सॉन्ग्स भी. अगर हम बात करें मूवी के सक्सेस की तो करोड़ में, तो आपको क्या लगता है पिक्चर कितने करोड़ कमा लेगी? 300 के आसपास. 100 में जाएगा. 500 crores approx. It'll hit the blockbuster. I hope it'll be a good hit. आपने बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर देखा? देखा है. कैसा लगा आपको? अच्छा है. एकदम अच्छा. Awesome. ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत अच्छा है. तो अगर हम बात करें इसकी जोड़ी की तो आपको रणवीर और दीपिका ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या रणवीर और प्रियंका? रणवीर और दीपिका. रणवीर और दीपिका. रणवीर और दीपिका. वो तीनों ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं, वो अपने अपनी जगह अच्छे हैं. तो इनकी पहले एक पिक्चर आ चुकी थी रामलीला, तो आपको क्या लगता है ये उसको ओवरटेक कर पाएगी? कर पाएंगे ऑब्वियसली. कर पाएगी. ऑफ कोर्स ओवरटेक करेगी. ऑफ कोर्स उस पे केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी थी और आई थिंक आई फील दैट कि इस मूवी में भी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री होगी उनकी. तो आपको मूवी के सॉन्ग्स कैसे लगे? बहुत बहुत अच्छे हैं. अच्छे अच्छे हैं. मस्तानी सॉन्ग फैंटेबुलस आई मस्ट से. जो पुरानी हमारी मुगले आजम थी उसका जो सॉन्ग जिसपे वो बेस करके बनाया गया है, आई मीन क्लियर इंडिकेशन आ रहा है और अच्छा लग रहा है. और दीपिका शी इज लुकिंग सो प्रिटी इन दैट सॉन्ग. आपने बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर देखा? हाँ देखा है. कैसा लगा आपको? लाइक संजय लीला भंसाली की जो फ्रेम्स मुझे पहले से बहुत पसंद है, तो उसके कलर और उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा. ट्रेलर बहुत प्रोमिसिंग है. बहुत अच्छा लगा. लाइक एक्सपेक्टेशंस बहुत आ गए मूवी पे. बहुत अच्छा लगा. बहुत शानदार है. बहुत बहुत नाइस. बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर. बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा है. ओके तो आपको उसके सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स तो उसके पहले से ही अच्छे होते, लेकिन इसमें थोड़ी कुछ कमी लगी मुझे. सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे. वीडियो सॉन्ग्स तो बहुत अच्छे थे. के गाने भी काफ़ी बढ़िया लगे हैं. गाने भी बढ़िया हैं. सॉन्ग सारे बहुत अच्छे हैं. बहुत शानदार है. सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे मुझे. काफी अच्छा मजा आया उसमें. तो रणवीर के साथ दीपिका ज्यादा हॉट लग रही है प्रियंका? प्रियंका. दे ऑल आर लुकिंग वेरी गुड. दीपिका रणवीर. रणवीर प्रियंका है वैसे मेरे तो. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इज बेस्ट बॉयफ्रेंड एंड बेस्ट बेस्ट कपल. तो आपको क्या लगता है मूवी कितना सक्सेस करेगी बॉक्स ऑफिस पे? 150 crore आराम से. मतलब अच्छा बिजनेस ही करेगी जरूर. 200 समथिंग अच्छी निकल जाएगी. मतलब बाजीराव मस्तानी ज्यादा चलेगी. मुझे नहीं लगता कि वो इतना कमा पाएंगी. मुश्किल से 20 crore लगभग 250 crore. आपने बाजीराव मस्तानी का ट्रेलर देखा? हाँ. कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग ट्रेलर है. हाँ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा लगा एकदम. काफी मजा आया देख के. म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. बहुत टॉप टॉप क्लास. काफी अच्छे सॉन्ग थे, बट आज के हिसाब से मतलब वो लग नहीं रहा कि उस हिसाब से ये चल पाएंगे गाने. अच्छा है. सुपर हिट है. द सॉन्ग इज वेरी गुड. रामलीला जो वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, बट ये शायद मेरे को लगता है उससे थोड़ी पीछे रह जाएगी. इसमें जो रणवीर कपूर जो है उसकी जो एक्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगा और खेल सकता था. हाँ लेकिन रामलीला की बात अलग ही थी. हाँ जरूर दे पाएगी. मुझे खास लगता नहीं है. या इट्स वेरी गुड. इट्स वेरी गुड. सक्सेस 100 crore के ऊपर करेगी. मतलब 70% के आसपास तो ही जाएगी. 50-50 रहेगी. मेरे को तो लग रहा है बहुत हिट है फिल्म. शुड पॉसिबली क्रॉस 150 crore.